वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे पिछले 2 महीने का जो ट्रेडिंग सेशन था उसका विद वेरीफाइड पैनल का लिंक है मैंने आपके साथ शेयर किया है, और वहां से जाके आप देख सकते हो पिछले 2 महीने के अंदर हमने मार्केट से कितने रुपए का हमने वहां पे प्रॉफिट बुक किया है और हमने मार्केट के अंदर ट्रेडिंग किस प्रकार की है। और अगर भाई ये वाला वीडियो अगर आपको पूरा देखना है तो एयरफोन आपको यहाँ पे जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि आज वाले वीडियो के अंदर कुछ कड़वी बातें हो सकती है, कुछ बातें आपको चुभ सकती है, लेकिन वीडियो यहाँ पे काफी मजेदार होने वाला है। देखो अगर मैं YouTube की बात करूं, कई सारे लोग आपको ऐसे देखने को मिल जाएंगे जो ज्ञान पेलने आते हैं। देखो वो क्या करेंगे, अच्छी अच्छी लाइटिंग लगाएंगे, अच्छा अच्छा माइक लगाएंगे और आके आपके सामने अच्छा थंबनेल लगाएंगे और आपके सामने आके ज्ञान पेलना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन वो बंदा खुद 2-3 साल से माइनस के अंदर है। वो बंदे ने 2-3 साल से मार्केट के अंदर निफ्टी, बैंक निफ्टी, इंट्राडे ट्रेडिंग करके 1 रुपए का प्रॉफिट बुक नहीं किया, लेकिन आपके सामने ज्ञान ऐसा पेलना स्टार्ट करेंगे कि भाई इससे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। तो ये सारी बातें आपको समझनी पड़ेगी। अगर आपको मार्केट में लॉस हो रहा है तो सबसे बड़ा कारण क्या है, ये यूट्यूबर भाई सबसे घटिया यहां पे। देखो कारण क्या होता है, मान के चलते मार्केट के अंदर आपको 1,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ और आप मान के चलते ऐसे बंदे को फॉलो कर रहे हो जो हर रोज 1-1 लाख रुपए का प्रॉफिट बुक कर रहा है, तो आपके माइंड में क्या आएगा, यार मेरा 1,000 रुपए काफी कम है, और वो 1 लाख रुपए जो आपके माइंड में दिखाई दे रहा है उसके चक्कर में आप ओवर ट्रेडिंग करोगे। जो आपको पहले 1,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, जैसे आप अगला ट्रेड लोगे तो आपका क्या होगा, जो 1,000 रुपए का प्रॉफिट था वो भी माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और जो आपकी खुद की कैपिटल थी वो भी आपके माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। और अगर मैं यूट्यूब की बात करूं, कई सारे ऐसे लोग हैं जो आपको हर रोज 1 लाख का प्रॉफिट दिखाएंगे, 2 लाख का प्रॉफिट दिखाएंगे, हर रोज आपको 1-1 लाख का प्रॉफिट आपको दिखाते रहेंगे, लेकिन वो कभी भी आपको 1 साल का पीएनएल, 2 महीने का पीएनएल, 3 महीने का पीएनएल विद वेरीफाइड पीएनएल आपको नहीं दिखा पाते हैं, क्योंकि वो बंदे खुद माइनस के अंदर है। अगर आपको अपना लॉस रिकवर करना है तो सबसे पहले आपको ये 3 चीजों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, आपका स्टॉप लॉस। हम हमेशा क्या करते हैं, हम लोग हमेशा हमारा सेटअप बनाते हैं, अलग अलग जो कोर्स होते हैं वो हम लोग वहां पे जाके कोर्स भी बाय कर लेते हैं, लेकिन आपको अपना एसएल पता नहीं होता है। अगर जब तक आपको आपका स्टॉप लॉस पता नहीं होगा आप मार्केट के अंदर कभी भी पैसा नहीं कमा पाओगे। देखो कारण क्या है, आपको पैसा बचाना पड़ेगा मेरे भाई। मार्केट सबसे पहले क्या लेगा, आपकी अंगुली लेगा। अगर आप मार्केट को अगर अपनी अंगुली नहीं दोगे, मार्केट आपका हाथ लेगा, हाथ भी अगर मार्केट को नहीं दोगे आपका पूरा शरीर लेगा और आपके टापरे बिक जाएंगे भाई। तो कोई हराम का पैसा नहीं भाई, आपका पैसा यार। जो आपको यूट्यूबर है वो सब चूतिया लोग यार, वो आपको ना 1 लाख रुपए का प्रॉफिट दिखाएंगे, 2 लाख का प्रॉफिट दिखाएंगे, लेकिन वो खुद माइनस के अंदर है। और कुछ तो ऐसे दीवाने हैं जो अपने कोर्स को 2 लाख का कोर्स बेच रहे हैं, 3 लाख का कोर्स बेच रहे हैं, उसको बोलो ना भाई, तो अपने कोर्स को इतना मतलब यहाँ पे प्रचार कर रहा है भाई, मेरा कोर्स ऐसा है, मेरा ऐसा है वैसा है, तो अपने 1 साल का 2 साल का पीएनएल दिखाना यार। वो आपको अपने 1-2 साल का पीएनएल घंटा नहीं दिखा पाएंगे, क्यों, वो खुद ट्रेडिंग नहीं करते हैं। मैं यूट्यूब के ऊपर ऐसे ऐसे बंदों को जानता हूं जो यूट्यूब के ऊपर लाइव आते हैं, 9 बजे से लेकर 3:30 तक लाइव आते हैं, लेकिन उन्होंने अपने डीमैट अकाउंट से 6 महीने तक, 4 महीने तक खुद ट्रेडिंग नहीं किए, ओनली फॉर लाइव आएंगे और आपके सामने ज्ञान पेलना स्टार्ट करते हैं, ये वाली कैंडल ऐसी जाएगी, वो वाली कैंडल ऐसी जाएगी, ओनली फॉर उनको अपना कोर्स बेचना है, अपने वहां पे जो उनका जो भी कोई चीज होती है वो उनको बेचना है और यूट्यूब से उन लोगों को इनकम करना है। और भाई मैं आपको साफ कहता हूं, मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो मोनेटाइज नहीं है, हमें यहाँ पे यूट्यूब से 1 रुपए की अर्निंग नहीं होती है यार, ना मुझे यहाँ पे अर्निंग करना है, सीधी सी बात है। और एक हमारा ग्रुप है उसके अंदर पहले 7 या 8 हजार हमारे पास फॉलोअर थे, लेकिन भाई सबको मैंने लात मार के बाहर निकाल दिया। मुझे ओनली फॉर वही लोग चीज जो मार्केट को सीखना चाहते हैं, जो मार्केट के अंदर मतलब सीखना चाहते हैं, सीख के ट्रेड करते हैं, जो लोग आंख बंद करके मार्केट में ट्रेड करते हैं उनके लिए भाई हमारे पास यहाँ पे कोई भी आवश्यकता नहीं है। आपको पहले स्टॉप लॉस पहचानना पड़ेगा, कोई हराम का पैसा नहीं है। अगर आपको कोई गलत ट्रेड हो गया, 10 पॉइंट का लॉस हो रहा है, तो आपको वहां से निकलना पड़ेगा। अगर ये वाली थिंकिंग जिस दिन आपके माइंड में आ गई, आप हंसते हंसते मार्केट को अपना एसएल दोगे, तो समझ जाना भाई बाकी जो लोग मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं आप उनसे हमेशा 2 कदम नहीं, 12 कदम, 20 कदम, 100 कदम आप उन लोगों से आगे चलने वाले हो। और सेकेंड पॉइंट एक ऐसा है जिसके ऊपर कोई ध्यान देता नहीं है। एक आपके पास अच्छा लैपटॉप होना चाहिए, एक अच्छा मोबाइल फोन होना चाहिए। देखो कारण क्या है, मैं आपको हमेशा कहता हूं ट्रेडिंग बोले तो ऑनलाइन वाला है, ऑनलाइन का सिस्टम किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपके मोबाइल फोन के ऊपर, आपके लैपटॉप के ऊपर। और एक अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो अगर आपके पास कोई दूसरा मोबाइल फोन है उसके ऊपर आपको चार्ट देखना ही पड़ेगा। अगर आप लोग आंख बंद करके ट्रेडिंग कर रहे हो, बात समझना,
अगर आप लोग आंख बंद करके ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको पता ही नहीं चलेगा ना मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट में कौन सा सेटअप बन रहा है, मार्केट में कौन सी कैंडल बन रही है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। 70% ऐसे लोग हैं मार्केट के अंदर जो आंख बंद करके ट्रेड करते हैं वो हमेशा लॉस में ही रहेंगे, उनका भाई कुछ नहीं हो सकता। जो आंख बंद करके ट्रेड करते हैं ना उनका कुछ नहीं हो सकता है, उनको भूल जाओ। जो बाकी बचे 20% जो भाई चार्ट देख के ट्रेड करते हैं वो आज नहीं तो कल अपना लॉस रिकवर कर लेंगे, लेकिन आपको चार्ट वहां पे देखना ही पड़ेगा। और भाई तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ओवर ट्रेडिंग। ये ओवर ट्रेडिंग का मैं आपको मसला बता रहा हूं, ये मसला काफी डेंजर है। अगर आप लोगों ने मार्केट के अंदर अभी तक 1000 ट्रेड किए, 2000 ट्रेड किए, अगर आप लोग अपने ट्रेड का अगर इतिहास निकाल के चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई आपको स्टार्टिंग है, आपको ना जो पहला ट्रेड होता है उसका 60% से लेकर 70% ऐसे ट्रेड आपको देखने को मिलेंगे जिसके अंदर आप प्रॉफिट में थे। लेकिन फिर आप क्या करते हो, अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए आप ओवर ट्रेडिंग जैसे ही करोगे आपका जो प्रॉफिट है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। एक आपको सिस्टम बंद करना आना चाहिए। मान के चलिए आपका एक मिनट के अंदर प्रॉफिट हो गया, 5 मिनट में प्रॉफिट हो गया, 1 घंटे में प्रॉफिट हो गया, तो आपको अपना सिस्टम बंद करना पड़ेगा और आपका जो डीमैट अकाउंट है जिस ऐप के ऊपर आप वहां पे ट्रेडिंग करते हो उसको एक बार आपको अनइंस्टॉल कर देना चाहिए और शाम को 3:30-4 बजे के बाद में जाके आपको अपना डीमैट अकाउंट है वो आपको इंस्टॉल वापस करना चाहिए। तो कारण क्या होता है, अगर आपके मोबाइल फोन में डीमैट अकाउंट रहेगा आप बार बार जाके जो भी आपकी स्ट्राइक प्राइस है उसको चेक करोगे, आप बार बार जाके चेक करोगे तो फिर आपका मन करेगा यार, जैसे आपको वहां पे मूवमेंट दिखाई देगा और आप लोग जाके वहां पे ट्रेड करोगे, जैसे आप ट्रेड करोगे मार्केट वहां पे घूम जाएगा। तो मार्केट के अंदर अपनी लाइफ अगर आपको भी लाइफ बनानी है तो आपको ना एक अनुशासन के साथ ट्रेड करना पड़ेगा। सबसे बड़ी गलती हम लोग ये करते हैं भाई 9 बजे से मार्केट ओपन हुआ है तो 3:30 तक आप ट्रेड करते हो, तो ऐसा नहीं करना है। चाहे प्रॉफिट 1 मिनट में आ जाए, 2 मिनट में आ जाए, आपको प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। एक आपको एसएल पे ध्यान देना पड़ेगा, एक ओवर ट्रेडिंग आपको नहीं करना है और एक लैपटॉप या दूसरा मोबाइल फोन आपके पास एक होना चाहिए। और भाई आप यकीन नहीं मानोगे हमारे साथ कई सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने 32-32 लाख का भी अपना लॉस रिकवर किया है, किसने 8 लाख का भी लॉस अपना रिकवर किया है। और अभी मैं आपको वीडियो जैसे अपना खत्म करूंगा उसके आगे मैं कई सारे लोगों ने अपनी जो जर्नी मेरे साथ कई सारे लोग मेरे साथ शेयर करते हैं तो उनका वीडियो बना के मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो ग्रुप का लिंक आपको नीचे दिया गया, वहां से जाके हमारा ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो। और चोर सेटअप, कई सारे लोग चोर सेटअप को लेके मुझे मैसेज करते हैं तो चोर सेटअप का भी लिंक मैंने आपको यहाँ पे डाउन दिया है, तो हमारे ग्रुप का भी लिंक आपको नीचे मिलेगा, चोर सेटअप का लिंक है वो भी आपको मिलेगा नीचे, और वेरीफाइड का लिंक है वो भी आपको नीचे मिलेगा। तो चारों पांचों लिंक आपको नीचे दिए गए और वहां से जाके आप लोग चेक कर सकते हो। तो धन्यवाद।